हाय एवरीवन, दिस इज दामिनी। आज मैं आपके साथ मखाने की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप व्रत में तो खा ही सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी ओकेजन पे और पार्टी में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। एक पैन में देसी घी डालकर मैंने इसको गर्म होने रख दिया है। घी गर्म होने पर मैं इसमें मखाने डाल रही हूँ। गैस को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, इसको 3 से 4 मिनट भूनना है। मखाने भुन गए हैं, इनको एक प्लेट में ठंडा होने रख दें। गैस पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन में दूध गर्म होने रखा है। मखाने ठंडे हो गए हैं, इनको एक जिप लॉक में डालकर बेलन की हेल्प से क्रश कर लेते हैं। जब क्रश करें तो थोड़ा सा पाउडर सा भी बना लें, खीर थोड़ी गाढ़ी हो जाती है उससे। दूध में बबल्स आने लगे हैं, धीरे धीरे दूध को चलाते रहें जिससे कि दूध लगे नहीं। दूध उबलने लगा है, अब मैं इसमें मखाने डाल रही हूँ। गैस अभी पहले मैंने हाई रखी थी, अब मैं इसको मीडियम पर धीरे धीरे पकाऊंगी। आप देख सकते हैं साइडों में धीरे धीरे ये मलाई सी जमने लगी है। इस मलाई को विस्क की हेल्प से चुटाते हुए मैं सब दूध में ही मिक्स कर रही हूँ, जिससे खीर गाढ़ी हो जाती है। ये मैं इसमें कोकोनट डाल रही हूँ, अगर आपको कोकोनट पसंद नहीं है तो ना डालें। बीच बीच में चलाते जरूर रहें, नहीं तो खीर लग जाएगी। अब मैं इसमें कटे हुए बादाम, किशमिश और काजू डाल रही हूँ, इलायची पाउडर एंड सैफरन। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं इसे करीबन 5 मिनट और पकाऊंगी। खीर को वैसे आप जितना ज़्यादा पकाएं उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन कम से कम इतना तो पकाएं कि जितना भी दूध आपने लिया था उसका 3/4 रह जाए। यहाँ मैंने थोड़ी सी चिरौंजी भी ऐड की है खीर में, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है खीर की। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। खीर इज नाउ रेडी। मैंने इसको करीबन 25 मिनट तक पकाया है। खीर को मैंने एक सर्विंग बोल में निकाल लिया है, आप इसको हॉट, वार्म या फिर फ्रिज में रख के ठंडा करके भी खा सकते हैं। इफ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।